अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां शहर के समान थाना में स्वच्छता अभियान के तहत की गई थाने की साफ सफाई। थाना परिसर हुआ साफ स्वच्छ, गमले में हरे पौधे भी लगाए गए। समान थाना प्रभारी सुनील गुप्ता ने लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया और कहा, शासकीय भवनों को साफ सुथरा रखें एवं अपने घरों के आसपास साफ सफाई रखकर अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। वहीं समान थाना प्रभारी सुनील गुप्ता ने आगे बताया, पुलिस मुख्यालय के आदेश से स्वच्छ भारत अभियान को देखते हुए सभी थानों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी थानों को स्वच्छ किया जाए, जिसको देखते हुए रीवा के समान थाने को भी साफ सुथरा एवं सुंदर बनाने का प्रयास किया गया है। आइए दिखाते हैं समान थाना की कुछ झलकियां और सुनाते हैं थाना प्रभारी सुनील गुप्ता ने क्या कहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा पूरे देश में स्वच्छता अभियान को लेकर जागरूकता फैलाया जा रहा है। उसके तहत मध्य प्रदेश के पुलिस मुख्यालय द्वारा जिला को भी निर्देश प्राप्त हुए, जिसके तहत पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से समस्त जिले के समस्त थानों को स्वच्छ किया जा रहा है, जिससे एक स्वस्थ वातावरण बने तथा उसमें हमारे आगंतुक तथा पुलिस परिवार भी स्वस्थ रहे। इस कारण से स्वच्छता को विशेष जोर देते हुए हमारे थाने में भी स्वच्छता अभियान के तहत पूरे थाने को रंगाई पुताई कराई गई और स्वच्छ कराया गया है, और ऐसी कोशिश रहेगी कि हमेशा ही ऐसा स्वच्छ रहे। गुटखा पान शासकीय भवनों में पूर्णतः वैन है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है तथा शासन द्वारा भी फाइन लगाने की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत अभी लगातार कार्रवाई चल रही है और अपने थाने में भी कई जगह निर्देश लगाए गए हैं और सभी को बताया गया है कि गुटखा पान शासकीय भवनों में खाकर नहीं थूकें और उनका प्रयोग ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। नमस्कार, रीवा, मैं हूँ भानु पंडित और मैं हूँ अनीता भट्ट और हम आ रहे हैं आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने, जिसका नाम है उड़ान शाम में गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए, और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। So, see you all there.